हेलो बच्चों, जैसे कि लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कि वी वर डिस्कसिंग अबाउट द पैटर्न्स। हमने पैटर्न्स के बारे में डिस्कस किया था। टुडे वी आर गोइंग टू टेक द न्यू टॉपिक रिलेटेड टू योर बोर्ड्स, दैट इज एरेज। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका जरूर जरूर आता है बोर्ड में, प्लस आउटपुट्स मीन्स 40 मार्क्स के सेक्शन में भी बहुत कुछ एरेज से रिलेटेड आता है। सो आपको ये बहुत ही डीपली पढ़ना होगा एंड वट एवर द थिंग्स हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं उसको बहुत ही माइन्यूटली समझना होगा। पहली चीज ये आती है कि एरे होता क्या है, द थिंग इज एरे है क्या, क्यों हम नए नए टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्या रीजन है जब हम कोई काम एक वेरिएबल एक चीज से कर ले रहे हैं तो एरे का कहाँ यूज आ रहा है। तो हम आपको एक एग्जाम्पल दे देते हैं बेटे। सपोज इन माई कंपनी देयर आर 500 एम्प्लॉयज, देन आई हैव टेकन, मैंने सबके लिए वेरिएबल ले लिए, तो 500 वेरिएबल लेने पड़ेंगे। अब किसी ने मुझसे कहा कि किसी स्पेसिफिक बंदे का, किसी स्पेसिफिक बंदे की सैलरी में इंक्रीमेंट करना है, देन बेटा आई हैव टू सर्च इट आउट। मुझे एक एक वेरिएबल उठाकर देखना होगा क्या वो व्यक्ति वही है जिसको मुझे इंक्रीज करनी है सैलरी, या वो मीन्स आई हैव टू सर्च, इट इज टाइम टेकिंग, वी कैन से वन मोर थिंग, राइट, वन ड्रॉबैक। सेकेंड ड्रॉबैक इज, सपोज किसी ने कहा कि इनपुट 5 मार्क्स फ्रॉम द यूजर, आपने कहा सर इंटीजर मार्क्स, और यहां पर बेटा आपने दे दिया इंटीजर आई इज इक्वल्स टू 1, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5, और आई प्लस प्लस और मार्क्स इज इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पार्स आई एन टी एंड ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन एज यू आर नोइंग। मैंने मार्क्स इनपुट करा दिए 5, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही ये इंटीजर मार्क्स होता है ये 4 बाइट की एक मेमोरी रैम में बना देगा, 4 बाइट्स की। पहला मार्क्स इनपुट कराया मैंने 97 प्लस प्लस हुआ, दूसरा मार्क मैंने इनपुट करा दिया 98, उसी मेमोरी पे जा रहा है, वो नई मेमोरी नहीं बना रहा है बच्चों। तो द लास्ट व्हेन इट विल कम 5, तो फिफ्थ वाला जो मार्क्स था बेटा वो मैंने 80 ले लिया। अब मान लो कोई मेरे पास पर्सन आता है एंड ही सेइंग कि सर जो पहला वाला बच्चा था उसके मार्क्स 95 नहीं थे, 99 थे या 100 थे, तो आप उसके 100 कर दो प्लीज। सो नाउ बेटा इट इज नॉट पॉसिबल, अब ये हो ही नहीं सकता क्योंकि उस मेमोरी में लास्ट मार्क्स किसके हैं, जो लास्ट बच्चा था उसके हैं, पहले वाले ओवरलैप्ड हो गए। सो दिस वॉज द ड्रॉबैक इन द केस ऑफ द वेरिएबल जो हम डिक्लेयर करते थे और लूप के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते थे। टू ओवरकम फ्रॉम सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स दे इंट्रोड्यूस्ड एरेज, उन्होंने एरेज इंट्रोड्यूस कर दिया। इन केस ऑफ एरेज 1 मेमोरी लोकेशन इट इज गोइंग टू क्रिएट एंड इट इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इन अ सीक्वेंस फॉर्म। कुछ एड्रेस होता है, मान लो ये 100 पे बना, इसका नाम ए है और ये 100 पे बना,
तो नेक्स्ट सीक्वेंस में मेमोरी एलोकेट करता है, इसका मतलब नेक्स्ट 4 byte के बाद अगली मेमोरी बनेगी, फिर अगली मेमोरी बनेगी, फिर अगली मेमोरी बनेगी, फिर अगली मेमोरी बनेगी. सो इन द केस ऑफ द एरे द मेमोरीज आर गोइंग टू बी क्रिएटेड इन अ सीक्वेंस फॉर्म. नंबर 1, इट टेक्स द सेम टाइप ऑफ डेटा. अगर मैंने इंटीजर लगा दिया देन इट विल टेक ओनली इंटीजर. अगर मैंने स्ट्रिंग लगा दिया है तो वो स्ट्रिंग टाइप का लेगा. डबल अगर लगा दिया देन ऑल्सो इट विल टेक द डबल टाइप ऑफ वैल्यूज. सो सेम टाइप ऑफ डेटा इन अ सीक्वेंस मेमोरी लोकेशंस में वो स्टोर करने का काम करता है. राइट, लाइक 5, 6, 7, 8, 9. सपोज आई वॉन्ट टू गो टू दिस सेल. नाउ वन थिंग बिट इट इज इंपॉर्टेंट, दीज आर द मेमोरीज जो कि मीन्स कंपाइलर अपने आप एलोकेट कर देता है. हाँ, इंटरप्रेटर अपने आप एलोकेट कर देता है. एज यू आर नोइंग कि जावा इज बोथ कंपाइलर इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज, तो ये मेमोरी तो वो अपने आप ही एलोकेट कर रहा है. बट हम जो नाम देते हैं इन मेमोरी का वो देते हैं हमेशा 0 से. और जितने बॉक्सेस होते हैं 0 से लेते हैं, जितने बॉक्सेस होते हैं वहां तक हम नेम कर देते हैं उसका. सो वी आर हैविंग 5 boxes, 1, 2, 3, 4, 5. बिकॉज हमने 0 से स्टार्ट किया तो हमारा लास्ट बॉक्स जो है वो 4 होगा. आपने कहा सर SOPLN A का 2, तो बेटे A इज द नेम ऑफ द लिस्ट और एरेस, और उसका 2 का मतलब हो गया ये. तो ए के 2 के अंदर क्या वैल्यू है, इट विल डिस्प्ले डेट वैल्यू एंड डेट इज योर 7. अगर मैंने कहा SOPLN A का 4, देन इट विल डिस्प्ले द 4th लोकेशन वैल्यू एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू एक्सेस द एलिमेंट्स. सो दिस कॉन्सेप्ट इज गुड कंपेरेटिवली टू टेकिंग अ सिंगल वेरिएबल. नाउ सी, अगर मैंने मेरे पास कोई आता और कहता सर वो पहले वाले जो मार्क्स आपने डाले हैं वो 5 नहीं है, ग्रेड 5 नहीं है, उसके तो 10 थे, तो आई कैन डू ना, मैं ऐसे करता हूं SOP और आई कैन डू लाइक दिस, ए का 0 इज इक्वल्स टू ए का 0 प्लस 5. सो ए के 0 में मेरी वैल्यू कितनी है, 5. 5 में 5 को प्लस कर दूंगा, व्हाट आंसर इट विल कम, 10. 10 is again going to copy to where? A के 0 में. So now 5 will become what? 10. And this is the working of the arrays. Means, हम किसी भी सेल पे जंप ले सकते हैं, कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कोई भी चेंजेस कर सकते हैं उस पर्टिकुलर लोकेशन पे, वेयर एज वी वर नॉट एबल टू डू इन द अदर केसेस. हम ऐसा नहीं कर पा रहे थे. सो हाउ वी आर गोइंग टू वर्क ऑन टू इट बेटा, हम आ रहे हैं आप अपनी बात पे. फर्स्ट थिंग इज कि हम एरेज के वर्किंग के लिए व्हाट आर द स्टेप्स वी शुड हैव. इन माय पॉइंट ऑफ व्यू 3 steps. नंबर 1, इनपुट. नंबर 2, आउटपुट. नंबर 3, कैलकुलेशन. और नंबर 4, आउटपुट After calculation. ये 4 बातों में तुम्हारी एरेस खत्म कर दूंगा. लेकिन इसको उसी सीक्वेंस में रखोगे सिमेट्री. देखो प्रेजेंटेशन के मार्क्स होते हैं. अगर तुम्हारे प्रोग्रामिंग में प्रेजेंटेशन नहीं होगी आपके मार्क्स कट जाएंगे. अब प्रेजेंटेशन होगी अच्छा तरीके से लिखा होगा यू विल गेट द प्रेजेंटेशन मार्क्स ऑल्सो और तुम्हारी प्रोग्रामिंग में मार्क्स पूरे आने के चांसेस होते हैं. तो फर्स्ट सेक्शन वी आर गोइंग टू टेक कि हम एक एरे में एलिमेंट डालना चाहते हैं तो हाउ वी आर गोइंग टू टेक इट. तो वी कैन टेक इट एज अ क्वेश्चन ऑल्सो कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट द एलिमेंट्स इन एन एरे एंड प्रिंट इट. द एलिमेंट्स इन एन एरे एंड प्रिंट इट. The first thing we have to do, class
The name of the class I have taken beta sample. Here I have taken public static void main string args, continuation में लिखोगे throws IO exception. Curly bracket start. How we are going to declare an array integer? Name of the array, bracket blank, is equals to new int, और यहां मैंने ले लिया 5. जैसे मेरा पॉइंटर यहां आता है बच्चों, मेरी 5 मेमोरी लोकेशंस तैयार हो जाती हैं और इसका नाम ए होता है. ठीक है, अभी मेरा 0, 1, 2 नहीं डिफाइन हुआ है. ठीक, कोई भी 5 मेमोरी एलोकेशंस हमारी आ जाती हैं और इन मेमोरीज में कुछ भी गार्बेज वैल्यू हो सकती है. ठीक है, अभी क्योंकि हमने वैल्यू कोई डाली नहीं है. नाउ पहला स्टेटमेंट है SOPLN enter the elements in an array for I is equals to 0, I less than 5 और I plus plus. एंड what we are going to do, A का I, क्योंकि A के 0 में, A के 1 में, A के 2 में, so like this, A के 0 में, right, I 0 है, में value तुम्हें input करनी है, तो तुम्हें input करने के लिए जो चीजें थी बच्चों, वो था integer dot parse int and object dot या obj dot, we are taking obj over here, read line. You may take buffer reader over here, buffer reader obj is equals to new buffered reader new input stream reader system dot in. This is a single line statement that we have to introduce. याद रखना, हमेशा वो ही object चलता है जो buffer reader के साथ रहता है. Input stream reader वाला object किसी भी working में use करने नहीं है आपको, वरना आप गलत कर जाओगे. Now, so what I did, A के, अब देखो इस प्रोग्राम को अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो मैं कर क्या रहा हूं. ये मेरी A है, मैंने कहा A का 0, आपको मैंने पहले बताया बच्चों कि ये 0, 1, 2, 3, 4 हम नाम देते हैं. तो A के 0 में तुमसे वैल्यू आस कर रहा है, इंडिकेटर पास है, उसने वैल्यू मांगी, मैंने दिया 50. फिर I प्लस हुआ तो I 1 हो गया. A के 1 में दे दिया मैंने 52, 59, 60, 69 और ये मेरे ऊपर मेमोरीज चल रही है. राइट, आई वॉन्ट टू प्रिंट इट बेटे, तो आपने इसके बाद प्रिंटिंग में दे दिया SOPLN एलिमेंट्स ऑफ एरेज. फिर से तुम्हारा आई 5 पे पहुंच गया है, आई प्लस प्लस होके 5 हो चुका होगा, हाँ या ना? तुम्हें दिखाने के लिए फिफ्थ लोकेशन से फिर से कहाँ आना है? 0 पे आना है बच्चों. सो आपने क्या करा, फॉर आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन 5 और आई प्लस प्लस, और अब इनपुट नहीं कराना, अब डिस्प्ले कराना है. तो डिस्प्ले के लिए वी आर हैविंग द स्टेटमेंट एस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और ये मैंने लिया एक, and this is the second one. This is a sample of a array in which we are inputting the element, जिसमें हम input कर रहे हैं, and showing the elements of an array. A simple program, simple one. मैंने क्या बताया तुम्हें कि एक working है मेरी जिसमें पहला part था input, दूसरा part है output.
राइट। अब इन पर बेस्ड हमारी कैलकुलेशंस आती हैं। कैलकुलेशन के केस में उन्होंने क्या बोला आपसे, वो राइट ऑन द प्रोग्राम लाइक दे आर आस्किंग बेटा कि राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द सम ऑफ ऑल इवन एंड ऑड एलिमेंट्स even and odd elements in a single dimension array in a single dimension array of n number of elements of n number of elements ye pehle n number na karke pehle aap ek kaam karo of 5 एलिमेंट्स एंड हम थोड़ा बाद में बता देंगे कि इनकी वर्किंग कैसे। पहले हम 5 की बात करते हैं। हमारी ये वर्किंग है बेटा, ये हमने एलिमेंट ले लिए। नाउ मैंने तुम्हें क्या बताया, 4 स्टेप, इनपुट आउटपुट, आउटपुट भी यहाँ तक का सेम रहेगा क्योंकि हमारे पास इतना स्पेस नहीं है बेटे। देन आउटपुट पार्ट को मैं स्किप कर रहा हूँ, आप लोग लिखेंगे प्रेजेंटेशन के मार्क्स होते हैं, मैं बार बार इस चीज को कह चुका हूँ। 2 वेरिएबल्स आई हैव टेकन हियर, number 1 is even and the second one is odd and even is equals to odd is equals to 0 I did kyun aisa kiya maine batata hu now I want the calculation here bete maine calculation ke liye liya for I is equals to 0 I is less than 5 or I plus plus बेटे आपको ये मालूम है कि इवन और ऑड में क्या कंडीशन हम लोग लगाते आ रहे हैं कि अगर मेरा ए का आई मॉड 2 इज इक्वल्स टू जीरो सो इवन इज इक्वल्स टू इवन प्लस ए का आई हो जाएगा और अगर ऐसा नहीं है सो ऑड इज इक्वल्स टू ऑड प्लस ए का I हो जाएगा। एंड आफ्टर डूइंग दिस यू जस्ट टेक आउट द प्रिंट शो मीन्स ऑन टू द स्क्रीन दैट इज द सम ऑफ इवन नंबर्स इज इक्वल्स टू प्लस ईवी एस ओ पी एल एन सम ऑफ ऑड नंबर्स is equals to plus OD 1 and 2 and this is the working. Now see बेटे दो स्टेटमेंट अगर इसके लर्न कर लोगे तो कभी भी गलत नहीं होंगे। बहुत ध्यान से देखो, अगर कहीं पर मैंने दिया है a का i a का j तो मैं बात कर रहा होता हूँ उसके अंदर की वैल्यू की, ठीक, एलिमेंट की वैल्यू की। और अगर सिर्फ मैंने आई दिया होता है बच्चों देन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द लोकेशन। अगर मैंने एरे का नाम मेंशन नहीं किया होता है तो आई एम टॉकिंग अबाउट द लोकेशन, और अगर मैंने एरे का नाम के साथ उसकी लोकेशन दी होती है तो मैं वो उस लोकेशन के अंदर की वैल्यू की बात कर रहा हूँ। नाउ दीज आर माई वैल्यूज, ये मेरी वैल्यू थी, दो मेमोरी बन गई, एक बन गई इवन और एक बन गया मेरा ऑड। इवन में भी मैंने जीरो ले लिया था, ऑड में भी मैंने जीरो ले लिया था, पॉइंटर जीरो से चला है, जीरो इज लेस देन फाइव किया, ए का जीरो को मॉड करो, ए के जीरो को मॉड करो टू से तो क्या रिमाइंडर जीरो आता है, यस। इवन में मेरा 50 आ जाएगा, क्यों, जीरो में आप 50 को प्लस करोगे इट विल गिव यू 50, कहां जा रहा है इवन में। अब तुम आए यहां पर, अब आई प्लस प्लस हो गया 1, ए का 1 को 2 से मॉड करोगे देन 2 से यस जे भी जा रहा है, तो बेटा इवन में अब कितना था 50, 50 में 52 को प्लस करोगे देन इट विल गिव यू 102। आफ्टर दिस मेरा पॉइंटर आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने के बाद 2 पे आया 59 2 से माउंट करोगे तो क्या रिमाइंडर जीरो आता है, नहीं आता, तो एल्स में गया और ये ऑड में यहां पर 59 आ गया। आई प्लस प्लस हुआ तो आई मेरा हो गया थर्ड लोकेशन पे, 60 को 2 से माउंट करोगे तो क्या जीरो आ रहा है, यस yes, आ रहा है, तो 60 और ले लोगे तो इट विल गिव 162। नाउ नेक्स्ट आई प्लस प्लस हुआ तो 69 आ गया, 69 तुम्हारा जब मॉड करोगे 2 से रिमाइंडर जीरो नहीं आता तो एल्स वाले पार्ट पे जा रहा है और ऑड में जो भी वैल्यू है 69 इज गोइंग टू बी एडेड इन इट,
तो ये मेरा हो जाएगा 128 आई थिंक, राइट। अब आई प्लस प्लस हो गया 5, 5 से छोटा नहीं होता है, पॉइंटर बाहर आ जाएगा, बाहर आने के बाद इवन और ऑड दोनों की जो सम आया था वो वैल्यूज डिस्प्ले कर देगा। आर यू गेटिंग बेटा? सो दिस इज हाउ द वर्किंग ऑफ द एरेज या इन द एरेज इज शोन। हाँ, नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट वर्किंग। नाउ सी, इन योर सिलेबस देर आर टू टाइप्स ऑफ सर्चिंग दे हैव इंट्रोड्यूस्ड, सर्चिंग इन एरेज आई एम टॉकिंग अबाउट। नंबर वन इज लीनियर सर्च एंड द सेकेंड वन इज बाइनरी सर्च। दोनों ही के काम सर्च करना होता है, ढूंढना होता है कुछ, बट ढूंढने का तरीका अलग हो जाता है। डिफरेंस बिटवीन लीनियर सर्च एंड द बाइनरी सर्च इज ओनली दिस के लीनियर सर्च में तुम किसी भी ऑर्डर में एलिमेंट अगर इनपुट कराओगे तुम्हारा एलिमेंट वो सर्च आउट करके दे देगा। मींस इन द केस ऑफ द लीनियर सर्च, अगर आपने रेंडम ऑर्डर में भी कोई एलिमेंट इनपुट कराए हैं देन ऑल्सो इट विल सर्च द एलिमेंट, बट इन बाइनरी सर्च इट इज कंपल्सरी डेट द एलिमेंट शुड बी इनपुटेड आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब बाइनरी सर्च में आपके जो एलिमेंट डाले जाएंगे या इनपुट करे जाएंगे वो या तो असेंडिंग ऑर्डर में करे जाएंगे या डिसेंडिंग में, तभी वो सर्चिंग कर पाएगा, अदरवाइज एलिमेंट्स आर नॉट गोइंग टू बी सर्च्ड। नाउ सी, प्रोग्राम फॉर्म में लिख देते हैं इसको कि प्रोग्राम टू सर्च द एलिमेंट फ्रॉम अ सिंगल डायमेंशन लिस्ट, फ्रॉम अ सिंगल डायमेंशन लिस्ट ऑफ एन एलिमेंट्स, ऑफ एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट। मैं ऊपर का पार्ट एस ओ पी एल एन एंटर द रेंज ऑफ एरे, ओके, इंटीजर एन ले लिया मैंने, एंटर द रेंज ऑफ द एरे। यहां मैंने ले लिया n इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स int ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन। दिस आई एम टेलिंग लीनियर सर्च बच्चों, राइट, ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन। एन की वैल्यू आ गई, मुझे एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहा था मैं, तो व्हेनेवर आई एम गोइंग टू डिक्लेयर द एरे नाउ न्यू आईएनटी और यहां पर मैं एन पास कर दूंगा तो मेरे उतने ही बॉक्स बनेंगे जितने तुमने इनपुट कराए हुए होंगे, राइट। दिस इज द रोल ऑफ द एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नेक्स्ट वर्किंग हियर इट इज, मैंने एक वेरिएबल ले लिया बच्चों ELE फॉर द एलिमेंट टू विच आई वॉन्ट टू सर्च, जिसको मुझे ढूंढना है, और सी द वर्किंग। पहला स्टेप है मेरा SOPLN एंटर द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे फॉर इंटीजर आई इज इक्व टू जीरो, आई लेस देन एन और आई प्लस प्लस, ए का आई इज इक्व टू इंटीजर डॉट पार्स आई एन टी एंड ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एस ओ पी एल एन
एंटर द एलिमेंट टू बी सर्च, जो तुम्हें एलिमेंट सर्च कराना है. सो ईएलई इज इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पार्स आईएनटी एंड ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन. नंबर वन इज मैंने एलिमेंट इनपुट करा लिया. सेकंड वन इज वो एलिमेंट करा लिया इनपुट जो मुझे सर्च कराना है. राइट, नाउ सी द वर्किंग. ये पार्ट होने के बाद मैं किस तरीके से वर्किंग कर रहा हूँ. मेरा तो आई जो है एन के बराबर पहुंच चुका था. मुझे सर्चिंग अगर करानी होगी तो जीरो लोकेशन से करानी होगी. सो सी हियर, फॉर आई इज इक्वल्स टू जीरो, आई इज लेस देन एन और आई प्लस प्लस. एंड आई डिड हियर बेटा कि अगर मेरा ए का आई इज इक्वल्स टू एलिमेंट के बराबर है, देन यू विल राइट हियर एस ओ पी एल एन सर्च फाउंड एस ओ पी एल एन एट लोकेशन एंड हियर आई एम टेकिंग आई. ठीक है, और दिस मैंने यहां पर लिख दिया ब्रेक. आप पूरे लूप से बाहर आ जाओ. राइट, अब मैंने बाहर आने के बाद एक कंडीशन दे दी बेटा कि अगर I इज इक्वल टू एन है, सो हियर आई हैव टू टेक एस ओ पी एल एन सर्च नॉट फाउंड एंड दैट इज ऑल. वन टू, नाउ सी द वर्किंग. Suppose I have taken the element n, n की वैल्यू ले ली मैंने 5, so 0, 1, 2, 3, 4 ले लिया मैंने, 5, 6, 9, 2, 11. Suppose I have taken the element, means these elements, ये काम मेरा है. अच्छा, the element what I want to say, इसका नाम A है, ARR है, take it A over here, हाँ. ए आर आर नहीं, ए ले लो, क्योंकि हर जगह मैंने ए यूज किया आई थिंक. हाँ, मैंने ए ले लिया. ए होने के बाद मैंने इनपुट करा लिया बेटे, दी इनपुट हो गया. अब वो कह रहा है एंटर द, इसके बाद पॉइंट यहाँ आएगा ना, यहाँ पर कह रहा है एंटर द एलिमेंट टू बी सर्च. मैंने कहा भाई एलिमेंट मेरा टू सर्च करके दिखा दो. इतना काम होने के बाद मैं स्क्रीन यहाँ पर आ रहा हूँ. नाउ पॉइंटर जीरो से चला, जीरो पे चलने के बाद एन तक जाना है उसने, तो जीरो और एन की वैल्यू है बच्चों 5, तो वो जीरो चलेगा, 1 चलेगा, 2 चलेगा, 3 चलेगा और 4 चलेगा. लेस देन एन है तो 5 नहीं लेगा. वो कह रहा है पहली बार जीरो चला लो. क्या ए के जीरो में, क्या ए के जीरो में 2 है, एलिमेंट तो 2 है ना, क्या ए के जीरो में 2 है, नहीं है. नहीं है तो जीरो वाला बोला साहब मेरे में नहीं है. नहीं होने के बाद उसने कहा प्लस प्लस, प्लस प्लस होने के बाद 1 हो गया. क्या ए के 1 में, ए के 1 में 2 है, नहीं है. 1 भी बोला मैं बेकार हो गया. पॉइंट आगे बढ़ा, बोला ए के 2 में, ए के 2 में हमारा ये आया, क्या 2 है, नहीं है, 9 है, बेकार हो गया. पॉइंट प्लस प्लस हुआ. क्या ए के 3 में 2 है, यस है, तो वो इट मूव्स इनसाइड द बॉडी और प्रिंट कर देगा सर्च फाउंड एट लोकेशन 3 और ब्रेक कमांड विल टेक द पॉइंटर आउटसाइड द लूप. वो पूरे लूप से पॉइंटर को बाहर ले आएगा. राइट, अब मान लो मैंने आपसे कहा कि मुझे 8 सर्च कराना है. जीरो पे चेक किया नहीं मिला, 1 पे चेक किया नहीं मिला, 2 पे चेक किया नहीं मिला, 3 पे चेक किया नहीं मिला, 4 पे चेक किया नहीं मिला, फिर प्लस प्लस हुआ होगा तो एन के बराबर हो गया होगा 5. भाई आई प्लस प्लस होते 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 एक कंडीशन आएगी जब वो एन के बराबर हो जाएगा, तो आई बराबर किसके हो गया, एन के. पॉइंट इसके बाहर आ गया, आई एन के बराबर हो गया और द मैसेज इट विल डिस्प्ले सर्च नॉट फॉर्म. ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं बच्चों. विल डिस्कस ऑन द नेक्स्ट टर्न. थैंक यू.